इवनिंग एवरी वन राम राम जी चलिए चलते हैं खेत की ओर आज एक नई शुरुआत होने वाली है तो मैंने सोचे चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ आज है लास्ट नवरात्रा तो फटाफट से दौड़ लगाई खेत को दिन में हमारे हुई यहाँ पे बारिश एकदम से इतनी मोटी मोटी बारिश आई कि क्या ही बताएं सारे में बहुत ज़्यादा गीला हुआ है देखते हैं खेत के हाल की खेत का क्या हाल है सूखा बचा हुआ है थोड़ा बहुत की बहुत ज़्यादा गीला है तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और चलते हैं तो यहाँ खेत में पहुँच चुकी थी और आज से एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है जी देखिए यहाँ पे खेत में नई फसल लगाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो भी हमारे कुलिष्ट देवी देवता होते हैं धरती माता सभी को धूप जलाऊंगी यहाँ पे तो जब भी कोई नई फसल लगाई जाती है ना तो गाँव में हर जगह पर ये किया जाता है धूप लगाया जाता है भगवान जी को पहले ना और गुड़ से सेमू मीठा करा जाता है सबका तो मैं यहाँ पर धूप लेके आई थी अभी मैं यहाँ पर धूप बत्ती कर लूँगी थोड़ी और उसके बाद हम लहसुन जो है उनको लगाना शुरू करेंगे तो जी हाँ अभी तक हमने लहसुन लगाना शुरू नहीं किया था आज से हमारे लहसुन लगाना शुरू किया है हमने क्योंकि इससे पीछे डेली बारिश हो रही थी खेत जो है ना वो बिल्कुल गीला था सूख ही नहीं रहा था तो अभी आज बारिश हुई मोटी मोटी दिन में बहुत सारी लेकिन हमने सोचा कि चलो शुरुआत जो है ना वो कर ही देते हैं और उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा तो इसीलिए लिए यहाँ पे खेत में बस यहाँ पे धूप पाती मैंने कर है और अभी लहसुन लगाना शुरू करती हूँ खेत हो चुका है इतना ज्यादा गीला ये देखिए पाँव कैसे गड़ रहा है इसमें ये देखो दिन में बारिश आई ना पूरा काम खराब हो गया ये हमने खेत जो है पूरी तरीके से तैयार करवाया था लेकिन बारिश की वजह से बहुत गीला हो गया इसमें तो जितना ही चलेंगे ना उतना ही बैठेगा ये गोड़ने को मुश्किल होगा फिर हाँ वहाँ से मैं चल के आई ना देखो वहाँ पे कितना गड़ रहा है और मेरी चप्पल में इतनी मिट्टी लग चुकी है ना बहुत ही ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा गिला है थोड़ी सी शुरुआत कर देंगे हम बस ये जो है फाउड़ी जैसी एक ही है पर इससे नहीं होएगी थोड़ा चौड़ा भर चाहिए इसके लिए तो गए हो गई पर छोटा खेला पास चप्पल में लग गया सारे बुरे हो गए <laughs> मेरी भी चप्पल है हां चप्पल मिट्टी लगी <laughs> मित्ती, मित्ती लग तो गिले खेत में चलने से ना पाँव में ना मतलब चप्पल में इतनी मिट्टी लगी थी चप्पल इतनी भारी भारी हो गई थी और अभी मैं आपको यहाँ पे आसपास का व्यू दिखा रही थी तो चारों ओर ग्रीनरी है चारों ओर ना यहाँ पे और लोगों के भी खेत हैं जैसे गांव के जो लोग हैं ना तो लेकिन यहाँ पे मिट्टी काफ़ी गीली थी लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा तो लगाना ही था शुरुआत करनी थी और ये ना बहुत ज़्यादा वो काम होता है ब, बहुत टाइम लगता है इस काम को करने में थोड़ा भारी काम होता है ना मोटा काम कुछ भी लहसुन लगाने में बहुत टाइम लगता है इसके लिए ना थोड़े आदमी ज्यादा चाहिए पंदे ही गिला, ना। नीचे है गिल्ला है ना ऊपर ऊपर है गिल्ला ठीक है ये फिर नीचे गुब्बी बदलने को बोल रखा ना उन्होंने अच्छा बैलों के लिए ऊपर के लिए भी नहीं होना घास तो आज <laughs> दिन में खेत कर रहे थे ना यहाँ पे तैयार है <laughs> हमारे भी मम्मी नहाने लग रहे थे उनको घर में तो आज ना घास की भी टेंशन हो रही थी क्योंकि ना दिन में बारिश हो गई सुबह मम्मी घर में नहला रहे थे पशुओं को और फिर मेरा घर में काम था बच्चों के साथ कहीं कुछ कहीं कुछ खाना बनाने का दिन भर और क्योंकि आज आदमी भी थे लगाए हुए काम करने वाले तो उनके लिए भी खाना दिया तो पूरा दिन ही घर में लग गया और यहाँ पर देखिए लहसुन जो है हमने छील के लाया हुआ है छील के नहीं मतलब जैसे इसकी वो जो डंडू होता है ना डंडू क्या बोलते हैं उसको गाठ जो भी होती है लहसुन की उसकी जो ये गुंदियाँ हैं ये अलग की हुई है तो बस ये लगाने में आसान हो जाएंगी तो तीन चार कट्टे जो है ना हमने पहले ही रखे हुए थे ऐसे करके साइड में तो अभी जैसे जैसे ये टाइम लगता जाएगा इसमें उस वैसे वैसे इसमें लगा टाइम तो क्या मतलब लगाना ही पड़ेगा अब तो टाइम टाइम नहीं तो निकल जाएगा लेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा लहसुन के लिए तो इस तरह से यहाँ पे देखिए लहसुन लगता है और यहाँ पे कुत्ता भी आ गया था कहीं से यहाँ पे तो ये हमारे पास जो काम करते हैं ना भैया एक ये हैं इनकी वाइफ है यहाँ पे और ज़्यादातर हमारे पास हम खुद तो कम ही लगाते हैं इस बार लगा रहे हैं मैंने पति देव से कहा कि इस बार हम खुद भी लगाएंगे ना थोड़ा बहुत तो वैसे लगाया तो पिछली बारी भी था वो तो मैंने खुद को ही लगाया था ऐसे ज़िद करके कि थोड़ा लगा लेते हैं कुछ अपने लिए भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत कुछ है ना ऐसे भी फिर जिम्मेदार लोग हैं ना ऐसे भी नहीं रह सकते तो फिर दिहाड़ी धूड़ी पे करवा लेते हैं काम जैसे बड़ा काम होता है ना जो भारी काम उसको करवा लेते हैं तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत कुछ अगर अच्छा रेट मिल जाए तो यहाँ पे देखिए अभी जो ये छोटा खिलना है इससे यहाँ पे इस तरह से लाइनें जो हैं वो काटी जाएंगी ये देखिए इतनी साथ साथ लगती हैं इसकी लाइनें मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी दूर दूर लगती है क्योंकि लहसुन जो है वो पास पास ही लगता है इस तरह से अभी आपको दिखाती हूँ मैं कितना पास ये लगता है तो यहाँ पे देखिए शुरुआत जो है वो मैंने कर दी है लहसुन की तो जो इसकी जड़ वाला हिस्सा होता है ना वो नीचे को लगता है और जहाँ से इसकी कोंपल निकलनी है ना वो ऊपर को रहता है तो बस अभी नमी बहुत अच्छी थी मिट्टी में तो हम सोचे थे कि अच्छे निकल जाएंगे लहसुन और बस बारिश नहीं होनी चाहिए अभी ना पाँच छः सात दिन तक बारिश नहीं होगी तो अच्छे निकलेंगे सड़ेंगे नहीं फिर अगर बारिश होगी तब तो सड़ने का डर भी रहता है लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो अच्छे निकल जाएंगे तो बस यहाँ पे नए जीवन की एक शुरुआत हो चुकी है और मैं पूरी जर्नी शेयर करूँगी आपके साथ इनकी की लहसुन कब उगे कितने बड़े हुए कैसे हुए और इनकी कटाई कब हुई तो लहसुन की फसल जो होती काफ़ी बड़ी होती है नौ महीने की फसल होती है लहसुन की ऐसे छः महीने में निकल जाती है ना बाकी फसलें ये अभी लग जाएगी ना देखो हमने ये लगा दी सेप्टेम्बर अक्टूबर में लगाई हमने ये और ये निकलेगी आगे अप्रैल मई मई में निकलती है जून तक कई बार तो जून भी आ जाता है मई जून तक निकलती है तो काफ़ी बड़ी फसल चली जाती है यह छः महीने से ज़्यादा चली जाती है मेरा <laughs> पहले लगा के पहले वीडियो लगाती हूँ तब करती काम और है, तो काम तो है। <laughs> और क्या कल को ससुराल वाले बोलेंगे काम ही नहीं करती है ना वीडियो में दिखा सकती हूँ मेरे काम कैसे होती है कैसे ससुराल वाले बोलेंगे तो काम ही नहीं करती है है ना सबूत चाहिए सबूत चाहिए है ना हमने काम किया है वीडियो दिखाने को देखो मैं काम करती और यहाँ पे ना ये नए हैं ना हमारे पास आए हुए यहाँ पे भैया और इनको मैं यहाँ पे ऐसे ही झूठ मूठ बोल रही थी इनको पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरा चैनल है तो ये बोलती कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं तो मैं बोली थी इनको मैं क्या इसलिए बना रही हूँ कि ससुराल वाले कल को ये ना बोले कि ये तो कुछ काम ही नहीं करती थी जी और तो सबूत चाहिए होता है ना अपने पास की काम किया है मैं क्या इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ तो इन्होंने सच्चा सच्ची में कि सच्ची में इसलिए बना रहे हैं ये इनको ना पता नहीं है कि मैं वीडियोज़ डालती हूँ यूट्यूब पर और मेरा चैनल है ना बताती नहीं गई इन्होंने क्यारी में मतलब जब क्यारी करी थी तो जब के इसमें का दे थी और वो पानी देनी थी सोचा थी पनी नीचे नीचे है न तारा मीरा। ना तब छाव हो जाती है ना लहसन को बहुत तब ज्यादा हो जाएगा ए सील आते हैं हम हमेशा नीचे ऊपर के में ना में में बीच में लहसन में तब गोड़ने को मुश्किल गोड़ के पट जाना था वो सारा हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ घर को ये धूप जो है ये भी ले लिया मैंने मम्मी पहुंच चुके हैं खेत में सास आ गई अब बहू जा रही है बहू भाग जाएगी अब सास के आने पे बहू भाग रही है मुझे ना अभी बीज देना है वापिस नीचे को थोड़ा सा जोई का तो चलिए अभी चलते हैं धैर्य के पास देती हूँ अगर धैर्य आएगा तो अगर नहीं आया तो बड़ा मुश्किल है मुझे आना पड़ेगा और घर में भी बहुत सारा काम है अभी ओबरी का काम है खाना बनाने का और सार्थक भी घर में ही है सोया हुआ था उठ गया होगा तो चलिए चलते हैं फाइनली पहुंच चुकी हूं घर और मुझे यहां से बीज देना आ, आना। आना ए, ए, अच्छा दे। <laughs> है मम्मी को हाँ अन्ना अन्ना मेरी खोल दो बाप शोके कब उठे अच्छा अभी खोल दे चौके उठ गया मेरा बाबू हम चौके उठ गया मैंने बीज देना है नीचे खेत को खेत में बीज जोई जोई का बीज आपको कहाँ जाना बारिश हुई हुई है नीचे बारिश हुई हुई है नीचे हाँ। अच्छा ठीक है राधे राधे जी बोल दो और वंश भाई भाई दोनों हाँ शक्लें मिलती है तुम्हारी अंश और वंश शाबाश मामा अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ बेटे तो मुझे बीज लाना है तो यहाँ पे हो रहा है बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दिया और यहाँ से मैं जोई का बीज जो है वो निकाल रही हूँ तो मुझे वो भेजना है इसमें ना हम लहसुन की क्यारियों में साइड साइड में लगा देंगे ना ताकि जब हम बाद में लहसुन में काम करने जाएँ ना खेत में जैसे गुड़ाई छुपाई का काम लगता है ना तो उस टाइम जोई हो जाती है वहाँ पर पशुओं के लिए हरा हो जाता है तो जोई जोई मतलब जई जो होती है पशुओं के लिए बिजाई करते हैं जो हरे घास के लिए चारे के लिए तो हम ना इसका अपना ही बीज रख लेते हैं हमारे अपने गुजारे लायक चल जाता है तो वैसे बाजार से लेना तो काफ़ी महंगा आता है मुझे लगता है शायद तीन सौ रुपये की थैली आती है तीन किलो की होती है कि पाँच किलो की शायद पता नहीं इतना है इसका रेट तो हम अपने लिए खुद ही रख रखते हैं क्योंकि पच्चीस तीस किलो तो हमारे अपने ही लग जाती है तीस चालीस किलो लग जाती है इतनी तो यहाँ पर मैं इसको निकाली हूँ और हाँ अभी मैंने बोला न जैसे वीडियो में कि सास आई बहू चली गई तो कुछ वीडियो में ना टाइटल कुछ इस तरह से डालना होता है कहीं थंबनेल तो कई जो हमारे शुभ चिंतक हैं ना वो बेचारे वीडियो तो शायद पूरी नहीं देखते लेकिन फिर उनको ये होता है कि वो सिर्फ टाइटल थंबनेल देखते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि तो क्या डालती रहती है अपने चैनल पर क्या डालती रहती है कुछ जो हमारे शुभ चिंतक हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी उनसे कि भाई प्लीज़ ज़रा वीडियो पहले पूरी देखो उसके बाद कमेंट करो या उसके बाद कुछ बोलो क्योंकि ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर है ना तो सभी लोग समझदारे पढ़े लिखे हैं और किसको क्या बोलना है कब क्या नहीं बोलना है पता होता है सबको है ना और वीडियो पूरा देखें तभी पता चलेगा आपको कि वीडियो के अंदर क्या है ठीक है ये तो यूट्यूब की तरफ से हमें पूरा होता है कि आपको थम टाइटल बनाना इस तरह का है कि लोग उसको देखें नहीं तो कोई नहीं देखता अगर हम सिंपल सा डाल देते हैं ना तो कोई नहीं देखता आपने कितनी अच्छी वीडियो बनाई होगी कितनी मेहनत करी होगी कोई नहीं देखेगा लोग इसी तरह का सेंसेशनल जो होता है ना टॉपिक कुछ भी देखना पसंद करते हैं हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है चाहे आपने वीडियो में वैसा कुछ है बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ लेकिन आपको कुछ ना कुछ इस तरह का तो दिखाना पड़ेगा जिससे कि लोग उस पर क्लिक करें ठीक है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे उसके बाद अपनी जजमेंट दे है ना और वैसे मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसने जो सोचना है वो सोचे ठीक है और अपना काम जो है मैं कर रही हूँ बड़ी ईमानदारी से कर रही हूँ और बाकी सब समझदार हैं अरे बातों ही बातों में वीडियो ख़त्म होने को आई ये तो बोला ही नहीं आपको कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे पहली बार ही विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कर सके अगर आप तो मेरी वीडियो को शेयर भी करें तो बस ब्लॉग काइंट में यहीं पे कर रही हूँ मिलूंगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ जय माता दी जय सिया बाय